हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का OMA by Monica कुकिंग चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों को केक की क्रीम पसंद नहीं होती है, तो मैं आज आपको ऐसा केक बताने वाली हूँ जिसमें क्रीम इस्तेमाल तो नहीं होगी लेकिन फिर भी आपका केक A1 लगेगा। अभी हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी और आइडिया पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखेंगे मैंगो चॉकलेट फ्यूजन केक। जैसे कि हम दो फ्लेवर्स मिक्स करके केक बनाने वाले हैं तो हमें दो बोल्स लगेंगे और दोनों बोल्स में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो सबसे पहले दोनों बोल्स में हम 1/4 कप + 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे, फिर 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर दोनों बोल्स में, उसके बाद 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, एकदम थोड़ा सा नमक भी डाल दें, फिर जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। सेकेंड बोल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। विस्कर से हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स विस्क कर लेंगे। आपको ध्यान में आया होगा कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स सीव नहीं किए हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अगर आप अच्छे से विस्क कर लेते हैं तो भी आपका केक लाइट और फ्लफी ही आएगा। इनको अच्छे से विस्क करने के बाद फर्स्ट बोल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंगो पल्प। अभी दोनों बोल्स में 1-1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। इन्हें अभी मिक्स करने के लिए हमें 1/4 कप दूध लगेगा हर एक बोल के लिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। फर्स्ट बोल में हमने येलो फूड कलर डाला है जो कि पाउडर फॉर्म में है, आप जेल फॉर्म वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हमें केक बैटर की इतनी ही कंसिस्टेंसी लगेगी। ये अभी बैटर रेडी हो चुका है। इसमें हम मैंगो फ्लेवर डालेंगे, आप वेनिला फ्लेवर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स करके रख दें। अभी हम सेकेंड बोल में दूध ऐड करेंगे और इसका भी बैटर बनाएंगे। इसमें भी हमें 1/4 कप दूध लगेगा। इसमें हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे, 2 से 4 ड्रॉप्स एसेंस के डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर अभी ये बैटर भी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अभी दोनों बोल साइड में रख देंगे। अभी हमें एक केक टिन ले लेंगे जिसको हमें ऑयल से ग्रीस करना है और उस पर थोड़ा फ्लावर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होता है कि केक हमारा आसानी से निकल आता है। अभी सबसे पहले फर्स्ट बोल का बैटर हम इसमें डाल देंगे। बैटर सेटल करने के लिए थोड़ा सा टैप करेंगे। इस बैटर पर हम थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि हम जो सेकंड बैटर डालने वाले हैं वो इसमें कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए। सेकंड बैटर हमें एकदम हल्के हाथों से डालना है ऊपर ऊपर से ताकि वो कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए। टिन को हल्के से टैप करें। जब तक हम ये केक बैटर रेडी कर रहे थे तब तक हमने मोमोज मेकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। केक टिन को इसमें रखने के बाद हम बटर पेपर से टिन को ऊपर से कवर करेंगे और फिर मोमोज मेकर का भी लिड लगा लेंगे। केक बैटर को 45 मिनट्स के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बेक करेंगे। 35-40 मिनट्स के बाद हम केक को चेक करेंगे कि वो कम्प्लीटली बेक हुआ है या नहीं। स्टिक डालकर इसे चेक करें, अगर वो कम्प्लीटली क्लीन निकल के आती है तो मतलब केक बेक हो चुका है। अगर नहीं तो केक को 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक होने दें। लेकिन यहाँ पे केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। टिन ठंडा हो जाने के बाद हम केक को इसमें से निकालेंगे। पहले हम एजेस को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे नाइफ की हेल्प से। ये देखिए कितना क्लीन केक निकल के आया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी और लाइट वेट है। तो अभी हम इसका मेन पार्ट शुरू करते हैं। पहले हम केक के 3 लेयर्स करेंगे। हर एक लेयर को हमने शुगर सिरप लगाया है ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे और इसमें हमने चॉकलेट फ्लेवर यूज़ किया है। तो अब आएगा हमारा सीक्रेट फिलिंग इंग्रेडिएंट मैंगो पल्प। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करने वाले हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैंगो पल्प। आप यहाँ पे मैंगो जैम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे लेयर को भी मैंगो पल्प लगा देंगे। तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे लगी, थी ना यूनिक और अनसुनी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी फ्रूट केक बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि उसी फ्रूट का पल्प एज अ फ्रोस्टिंग आप यूज कर सके। तो यकीन मानिए ये एक हेल्दीएस्ट केक हो सकता है। तो मीठे आम का सीजन जाने से पहले ये केक ट्राई कीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए कि ये आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए।